पवनी शहर का एक प्राचीन बौद्ध धार्मिक इतिहास है और पुरातत्व विभाग और नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा की गई खुदाई में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। उत्खनन क्षेत्र में अवशेष बिखरे हुए हैं और यदि उन्हें संरक्षित किया जाता है तो हवा विकसित होगी। धमदत संग्रत्न मांगके ने यह बात कही। वे अंबेडकर चौक पवनी स्थित पैया मेट्टा पुस्तकालय में आयोजित बौद्ध धम्म कार्यशाला के दौरान राष्ट्रपति पद की ओर से बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि सरकार ने वहां एक हवाई अड्डा स्थापित किया है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के स्थान को देखने के लिए बौद्ध देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जा सकता है। भदंत सग रत्न मनाके ने यह भी कहा कि पवनी शहर में भी अच्छे दिन आएंगे यदि उसी तर्ज पर पवनी में पर्यटन के विकास पर जोर दिया जाए और परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया जाए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उप तहसीलदार पवनी ने कहा कि पाया मेट्टा संघ और प्रशासन द्वारा पुरातत्व अवशेषों के लिए एक संग्रहालय के निर्माण की आवश्यकता है। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर प्रियदर्शी खोबरागड़े डॉक्टर यसुदेश के आसपास था, जबकि भदंत नागसेन महास्थवीर प्रोफेसर अश्वीर गजबीये विलास कटेखाए एडवोकेट महेंद्र गोस्वामी मोहन पंचभाई उन सभी ने पवनी की प्राचीन और आधुनिक बौद्ध विरासत पर समय पर भाषण दिए और धमदूत संघ रत्न मांगके के नेतृत्व में महासमाधि भूमि महावीर के निर्माण के कारण पवनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए मनकेजी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन धमानंद मेश्राम ने किया। कार्यशाला की सफलता के लिए रोहित धनविजय विकास मोटघरे पत्रकार मनोहर मेश्राम गौतम उके बंडू रामटेके भक्तराज गजबीये लोमेश सूर्यवंशी दिनेश गजबीये असित बागड़े यादव मेणे आदि ने अथक परिश्रम किया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शी खोबरागड़े और प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश भोटे ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐतिहासिक हवा में बौद्ध पुरातत्विक अवशेषों का एक वीडियो प्रदर्शित किया। कार्यशाला का समापन अतिथियों का आभार व्यक्त कर किया गया। पवनी से बीसीएन न्यूज के लिए राजेश एल सट्टीवार की रिपोर्ट।